हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के बारे में। तो इनमें हम चार से पांच बातों को डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से विद्यार्थी जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस होती है, कितनी फीस लगती है और क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा भी आप गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, इसके अलावा अप्रेंटिस करने के क्या फ़ायदे होते हैं, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप आईटीआई ट्रेड करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आप जान सकते हैं कि हम किस प्रकार से जॉब को जो है पा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो वे विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं पास कर ली हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड को जो है करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वो जो है इस ट्रेड को कर सकते हैं। और जो है इनके परसेंटेज के हिसाब से, इनकी कास्ट के हिसाब से जो है इनके परसेंटेज जो है वेरिएबल हो सकते हैं, यानी कि ओबीसी और जनरल के लिए थोड़ा सा हाई, मतलब कि 70-80% 85% आपको चाहिए होंगे, जबकि एससी एसटी के लिए कुछ कम परसेंटेज चाहिए होंगे। इसके अलावा फीस में भी कुछ डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। और गवर्नमेंट आईटीआई से अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे ईयरली, जबकि यही चीज़ यदि आप प्राइवेट से करते हैं तो आपको 70-80,000 आपको पे करने होंगे। इसके अलावा आपको 3 से 4 राउंड आपको गवर्नमेंट आईटीआई में आपको मिलते हैं, इनमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आप जो है गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। अब ये तो बात हुई हमारे एडमिशन की। अब एडमिशन के बाद हमारे सामने ये बात होती है कि हम एनसीबीटी लें तो या एससीबीटी। तो अभी तक तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एनसीबीटी अगर आपको मिल रही है तो एनसीबीटी ही लें। अगर आपके कुछ परसेंटेज में कुछ कमी है तो आप अगर एससीबीटी मिल रही है तो एससीबीटी भी कर लें। सिर्फ इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि आपको एससीबीटी टू एनसीबीटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको लगभग 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, या इसके लिए एक एग्ज़ाम भी देना पड़ता है कि आपको एससीबीटी टू एनसीबीटी में आप कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें ये रहता है। इसके अलावा भी आप जो नेशनल लेवल के अदर स्टेट के जो है एग्ज़ाम के लिए अगर वैकेंसी निकलती है और आपने एनसीबीटी से किया हुआ है तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं उस फॉर्म को, जबकि एससीबीटी वाले ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है ना। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमारा सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेफ्टी प्रिकॉशंस, यानी कि हम अब इलेक्ट्रिसिटी पे काम करने वाले हैं, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स पर हम वर्क करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें सिखाया जाता है कि हम सेफ्टी, जो सेफ्टी जो होती है हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड बेसिक नॉलेज जो है हमें सबसे पहले दिया जाता है। बेसिक नॉलेज के साथ साथ हमें करंट और विभिन्न लॉ, वोल्टेज की परिभाषा, कैसे हम मेज़र कर सकते हैं, करंट कैसे निकाल सकते हैं, वोल्टेज हम कैसे निकाल सकते हैं, पावर, ये जो हमारी बेसिक नॉलेज जो होता है वो हमें सिखाया जाता है। इसके अलावा हमें पैसिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट्स जिनमें हमारे डायोड, रजिस्टर और इंडक्टर वगैरह जो आते हैं, इनके बारे में हमें सिखाया जाता है, है ना। ट्रांसफार्मर के बारे में भी हमें सिखाया जाता है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके अलावा हमें जो सेमेस्टर वाइज, अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो आपको 4 सेमेस्टर कंप्लीट करने होते हैं, 2 साल की हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड होती है, लेकिन कभी कभी ये समय के हिसाब से बदल जाती है, तो कभी ईयरली हो सकती है तो कभी सेमेस्टर वाइज हो सकती है, इसका कोई वो दिक्कत नहीं है। तो मेरे समय में जो है सेमेस्टर वाइज थी, तो मेरे 4 सेमेस्टर होते थे, चारों एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होते थे, है ना, और प्रैक्टिकल भी होते थे। प्रैक्टिकल में आपको सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर आपको काम करना, कैसे हम किसी कंपोनेंट्स को निकालते हैं, कैसे हम उसको लगाते हैं, और प्रैक्टिकल में हमको किसी कंपोनेंट्स को जो है पहचानना कि ये कंपोनेंट है, ये इसको हम डायोड बोलते हैं, ये कंपोनेंट है हमारा, इसको रजिस्टर बोलते हैं। और विभिन्न कंपोनेंट्स होते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में ट्रेड में पढ़ेंगे तो आपको विभिन्न कंपोनेंट्स, ऐसे कंपोनेंट देखने के लिए मिलेंगे जो आपने पहली बार देखे होंगे, जैसे कि इंडक्टर, मॉसफेट, एफईटी, बीजेटी, ऐसे जिनका नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, है ना। तो इनका उपयोग बताएंगे, आपको यूजेस बताएंगे, और यदि ये खराब हो गए हैं तो आप इनको कैसे पहचानेंगे, इनके टर्मिनल क्या क्या होंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टर्मिनल क्या है, ये सब आपको प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल भी जो है आपको बुक्स में पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप जो है सीआरओ पर भी प्रैक्टिकल करेंगे कि किसी की वेवफॉर्म से आप कैसे उसका वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। इसके अलावा आप विभिन्न मोटर्स के बारे में पढ़ेंगे
और इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे कि हमारी जो एलईडी होएगी, है ना, एलईडी के कैसे हम उसका एनोड कैथोड चेक करेंगे, उसको कैसे हम लगाएंगे, उसके विभिन्न सर्किट्स कैसे सर्किट हम बनाएंगे। आपने देखे होंगे कि झालर वगैरह में कैसे ये कंपोनेंट कैसे सर्किट बनाया जाता है कि एक चल रही है ऐसे लाइन दौड़ते हुए जा रही है, कुछ गोल बनाते हैं, तो ये किस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं, किस आईसीज के बारे में पढ़ाएंगे आपको, फ्लिप फ्लॉप के बारे में आपको पढ़ाएंगे, ऑसिलेटर्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में एंटर करते हैं तो विभिन्न जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं, विभिन्न सर्किट्स हैं, उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा भी आपको बेसिक नॉलेज में जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो ये सब जो है उसके बेसिक हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है, हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप गवर्नमेंट में देख सकते हैं, जैसे कि BSNL वगैरह में और भेल में और रेलवेज में और विभिन्न जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसरो, DRDO और विभिन्न जो टेक्नीशियन जो होते हैं जहाँ पे वैकेंसी निकलती है, है ना, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट में जैसे कि आप टाटा मोटर्स और अदर सुजुकी वगैरह में सभी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की मांग की जाती है वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, ITI ट्रेड आपकी कंप्लीट हो गई है, तो आप जैसे कि रेलवे से कर सकते हैं, BSNL से कर सकते हैं, विभिन्न फैक्ट्रियों के द्वारा आर्मी 506 से कर सकते हैं, विभिन्न जगह से प्राइवेट जगह भी जो है आपको अप्रेंटिस कंप्लीट कराई जाती है। और इसमें कुछ आपको 7,000 to 8,000 जो है आपको स्टाइफंड भी दिया जाता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे हमने ITI कंप्लीट कर ली है और ITI कंप्लीट करने के बाद यदि हमने अप्रेंटिस कंप्लीट कर ली है तो अप्रेंटिस का ये फ़ायदा होता है, मैंने ये सुना हुआ है, और कि जैसे हमने इसके हमें कुछ बेनिफिट्स मिल जाता है, जैसे कि कहीं वैकेंसी निकाल जाती है, यानी कि जैसे DRDO में वैकेंसी है और DRDO में वैकेंसी में यदि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक को मांगा गया है तो हमने यदि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक को भरा, इसके साथ साथ हमने अप्रेंटिस भी किसी जगह से हमने कंप्लीट किए, तो वहाँ का हमारा अप्रेंटिसशिप नंबर, परसेंटेज, मार्क्स वगैरह हम वहाँ से भरते हैं, तो हमें इसका कुछ बेनिफिट्स अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हमें ज़्यादा मिलेगा और हमारे जो चांसेस जो होते हैं सिलेक्शन के वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह हमने जाना कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से संबंधित किन किन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिस करने का हमारा क्या फ़ायदा होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, किन किन कंपोनेंट्स को पढ़ना होता है। तो अगर आपको, आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं।